सुप्रभात प्यारे बच्चों, कल हमने कृतिका पाठ माता का अंचल भाग एक किया था। आज हम उसके आगे का सार करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि लेखक जो हैं श्री पूजन सहाय, उनके पिता के साथ वो अनेक गतिविधियों में भाग लेते थे। पिता उन्हें नहलाते थे, उनके माथे पर भभूत लगाते थे, उन्हें भोलानाथ कहते थे, उनका नाम तारकेश्वर था, पिताजी को वो बाबूजी और माँ को वो मैया कहते थे, पूजा पाठ किया करते थे, आटे की गोलियाँ डालने पिताजी के साथ जाते थे, पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे, पेड़ों पर झूला झूलते थे। तो हमने कल आपको पाठ के विषय में बताया था, आज हम उससे आगे पाठ को बढ़ाएंगे। आगे हम पाठ का सार देखते हैं बच्चों। माँ के साथ भोलानाथ का संबंध, माँ के साथ भोलानाथ का संबंध सिर्फ खाने तक का ही था। इसके अलावा माँ जो थी वो बच्चे को खिलाने के लिए प्रयास करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते, चार चार दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि उसने बहुत खा लिया है, बच्चे को भर मुँह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। महतारी अर्थात माँ, माँ खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का निवाला है, यह कबूतर के नाम का निवाला है, ऐसे खूब खिला देती, भर पेट खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और लेखक खेलने के लिए निकल जाते। कभी माँ अचानक भोलानाथ को पकड़ लेती और उसके सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश किया करती। लेखक छटपटाता और रोने लगता, पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उसकी मालिश करके ही उसे छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करके उसे भेज देती। और पिताजी की गोद में वह जाते ही बाहर जाने की जिद करने लगता। जैसे ही बाहर आता और उसके दोस्त जो थे वो झुंड बनाकर उसका इंतज़ार कर रहे होते, तो वह दोस्तों को देखकर सिसकना भूल जाता, पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज़ का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेले के लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़े के बताशे बनाते और दुकान भी सजाते। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे भी बनाते। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और बच्चों में ही दुकानदार होते। बच्चों, जैसा कि आप खुद भी स्वयं भी खेलते होंगे घर घर, इसी प्रकार यहाँ पर भोलानाथ जो है वो भी घर में ही अपने दोस्तों के साथ घर घर आदि खेल जो थे वो खेलते थे। बच्चे मिठाई की दुकान बंद करके घरौंदा बनाते, रेत की मेड़ ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सिलाई अर्थात माचिस की डिबिया, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठते, पंगत में धीरे से आकर बाबूजी जो थे वो बैठ जाते थे और उनको बैठते देखकर सब बच्चे जो थे वो घरौंदा जो था वो बिगाड़ कर जल्दी से भाग निकलते और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ? बाबूजी के ऐसे पूछते ही सब बच्चे नदारद हो जाते। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ में क्या समझा कि माँ के साथ भोलानाथ का संबंध कैसा था, और उसके अलावा बच्चों की शैतानियाँ और खेल कैसे थे, कैसे भोलानाथ रोते रोते सिसकते सिसकते बालकों के झुंड को देखकर चुप हो जाता था, किस प्रकार से वो घर के टूटे फूटे सामान से
अपने खेल खिलौने बनाते तो हमारे और उनके खेल खिलौने जो थे किस प्रकार भिन्न थे। तो अब आज के सार के अनुसार आइए देखते हैं सार पर आधारित कुछ प्रश्न जो आपके गृह कार्य के लिए हैं। पहला प्रश्न, भोलानाथ का अपनी माँ के साथ कैसा संबंध था? सिर्फ खाने संबंधी ही संबंध था। भोलानाथ की माँ उसके लिए क्या क्या करती थी? तो ये सारे कार्य जो आपको बताए गए हैं ये उसकी माँ उसके लिए करती थी। तीसरा प्रश्न, भोलानाथ के गोरस भात खा चुकने के बाद भी माँ उसे और क्यों खिलाती थी? तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका पेट भर जाता है, फिर भी आपकी माता जो है आपको कहती है कि एक और ले लो बेटा, एक निवाला और ले लो। तो आप इसी प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है आपका, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है? पहली बात कि बच्चा जो है अपने बराबर वाले बच्चों के साथ के सामने रोते हुए हीन भावना महसूस करता है। दूसरा, अपने साथ के बच्चों को देखकर वो अपना रोना भूल जाता है और अपने साथियों के साथ खेलने लगता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न जो है उसके अनुसार, भोलानाथ के खेल व खेलने की सामग्री आपके खेल व खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न है? तो आपने देखा कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न टूटे फूटे सामान से बच्चों ने अपने खेलने की सामग्री एकत्र की, कैसे वो खेल रहे थे। तो इन सभी पाठ के सार के आधार पर आपने इन पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसको रूल शीट पर करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी प्रश्नों के हल अपनी रूल शीट पर करेंगे। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।